सो गाइस, आया हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए ऐसे मूवीज और शो के रिकमेंडेशन लेके जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये एपिसोड नंबर 2 है और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, उसकी लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको न्यू या अंडररेटेड मूवीज और शो के बारे में रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो लिस्ट में सबसे पहले मूवी है साउथ की मुकंदन उन्नी एसोसिएट, जो कि एक कॉमेडी क्राइम मूवी है। और सच बता रहा हूँ, ये मूवी देखते टाइम मैं सोचा नहीं था मूवी ऐसे निकलेगी। मतलब अगर मुझे इस मूवी को किसी और मूवी से कंपेयर करना है तो मैं इस मूवी को दृश्यम मूवी से कंपेयर करूंगा, क्योंकि उसकी तरह आपको इस मूवी में भी ड्रामा देखने मिलेगा। सो बेसिकली इसकी स्टोरी है, मूवी के मेन लीड में उन्नी, वो एक लॉयर है। उसका सपना है कि वो 30 साल का होने से पहले सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहता है, बट ट्विस्ट ये है कि वो 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपने आधार कार्ड में अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाता रहता है। हर जगह से फेल होने के बाद उसको एक तरीका पता चलता है पैसे कमाने का, उसके बाद वो रुकता ही नहीं। ये मूवी आपको हॉटस्टार पे हिंदी में देखने मिल जाएगी, एक बार जरूर देख लेना। सेकंड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है यू, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज में मेन लीड जॉय गोल्डबर्ग, जिसको अपने एक कस्टमर से प्यार हो जाता है और देखते ही देखते उस कस्टमर के लिए वो ऑब्सेस हो जाता है, और जब उसको पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेता है, उस लड़की की जिंदगी में जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं उन सबको मर्डर कर देता है। बस अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। ये सीरीज आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी, जो एक ट्रू स्टोरी है अमेरिकन कार डिजाइनर कार्लो सेल्बी और ब्रिटिश बोर्न ड्राइवर कैन माइल्स की। 1963 में फोर्ड कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था, तो वो लोग एंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए 24 आवर्स रेस में भाग लेना चाहते हैं, बट उनके पास सुपर फास्ट कार नहीं थी, तो फोर्ड कंपनी डिजाइनर कार्लो सेल्बी को हायर करते हैं कार बनाने के लिए। कार्लो सेल्बी और कैन माइल्स अच्छे दोस्त होते हैं और वो दोनों मिलकर कार बनाकर रेस जीतने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कार रेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं भी पता है तो भी मूवी आपको कहीं से बोर नहीं करेगी, ये मूवी आपको हॉटस्टार पे देखने मिल जाएगी। नंबर 4 पे है आई एम नॉट ओके विद दिस, ये सीरीज एक टीनेज सुपर हीरो की सीरीज है। सैंडी, जो की एक बहुत बोरिंग 17 साल की लड़की है जो अपने फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पाती। आप लोग जैसे सोच रहे हैं, ये वैसे सुपर हीरो सीरीज नहीं है कि सीजन के एंड होते होते हमको एक एपिक फाइट देखने मिलेगी, एटलीस्ट फर्स्ट सीजन में तो नहीं। इस पूरे सीजन में हमको सैंडी के बारे में बताया जाएगा और सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपके दिमाग में कुछ सवाल आ जाएंगे, ऐसा क्यों और कैसे। और ये सीरीज आप आराम से टाइम पास करते हुए देख सकते हो, आपको ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। नंबर 5 पे है कि कैश मूवी, जिसके 2 पार्ट हैं। अगर आपको कॉमिक बुक रीड करना पसंद है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। मूवी में जो मेन कैरेक्टर है वो नर्ड होते हैं, तो वो लोग सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों की हेल्प करते हैं। मूवी में आपको अच्छा खासा एक्शन सीन्स देखने मिलेगा और कॉमेडी भी, जो आपको एंटरटेन करेगी। सेकेंड पार्ट से ज्यादा मुझे इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया था। बाकी अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद आया वो मुझे कॉमेंट करके बताना। तो ये थे आज के 5 ऐसे सीरीज और मूवीज जो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।